why do you go to college? I asked this question to students in our community and most of them said to learn. Then I asked them to learn what? क्या बिना कॉलेज के सीखा नहीं जाता? Then they said, but degree तो नहीं मिलेगी ना. ओ, तो इसका मतलब है कि degree के लिए हम जाते हैं कॉलेज. तो लोगों ने कहा, तभी तो नौकरी मिलेगी ना. ओ, तो हम नौकरी के लिए जाते हैं कॉलेज. Then they said, भाई सब जाते हैं कॉलेज, ज़्यादा बकवास मत कर. मैंने कहा सब जाते हैं कॉलेज, तो आप भी सभी की तरह कॉलेज जा रहे हो या जाने वाले हो. तो here are few lessons I learned about college education by enrolling in 4 different colleges in last 10 years. Don't go to college to learn just skills. You can learn any skill on internet. और YouTube पे तो free में सीखा जा सकता है. Interaction designer बनना है? हजारों boot camps चल रहे हैं. College की fees से 1/10 fees में सीखा जा सकता है. College क्यों जाना है इसके लिए? College is a bundle of so many things in one package. Life experiences like friendship, dating. Have you not seen college friends getting married? So that is also part of college ecosystem, isn't it? Coming of age, networking with industry professionals, learning new skills, etc. So learning skills is just one part of the system. लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लर्निंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है. लेकिन पता होना चाहिए ना कि हम कॉलेज सिर्फ यूआई यूएक्स सीखने के लिए नहीं जा रहे हैं. और अगर जॉब लेने के लिए स्किल्स की जरूरत है तो कॉलेज में सालों की वेस्ट करने हैं. अगर मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो ऐसे बहुत एग्जांपल हैं जहां पीपल आर डूइंग एक्सीलेंट विदाउट एनी फॉर्मल डिग्री. टू इलस्ट्रेट दिस बेटर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दीक्षिता बासु. दीक्षिता वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीड एंड एनआईडी एग्जाम सिंस 2021 विद अस इन आवर सीटूडी प्रोग्राम. बट थैंक्स टू आवर माइंड ब्लोइंग सिलेक्शन प्रोसेस इन द कंट्री वेयर एवरीथिंग इज जस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वन सिंगल डे. और अगर उस दिन गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा साल बर्बाद. और दीक्षिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एंड शी वॉज नॉट एबल टू क्रैक सीड एग्जाम दिस ईयर. बट शी वॉज डिटरमिंड दैट शी वॉन्टेड टू परस्यू डिजाइन एंड डिड नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू इंजीनियरिंग एनीमोर. लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वो तो वैसे भी इंडिया के 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं. बड़ी बात ये थी कि शी केप्ट ऑन अपडेटिंग हरसेल्फ थ्रू अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट. एंड व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो शी इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइनल सेमेस्टर. बट शी हैज बीन एबल टू गेट हर फर्स्ट यूएक्स डिजाइनर जॉब इन अ मेक्सिको बेस्ड फर्म एट अ 20+ lakhs पर एनम सैलरी पे. एंड दैट्स लिटरली हर फर्स्ट जॉब आफ्टर हर कॉलेज. सो हाउ डिड दिस हैपन? Zomato is my favorite app. क्यों? क्योंकि मैं उसको Instagram की तरह scroll करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है. मैं सोच रही थी कि मैं अपना input देती हूँ and then I started framing out the entire thing. तो मैंने उसमें UX solutions भी दिए हैं that like कुछ broken user flows थे that could be much more better. Plus मेरे पास एक बढ़िया सा idea था, जैसे कि हम Tinder पे left and right swipe करते हैं, तो मैंने सोचा कि उस पर भी अगर फूड पे हम लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करके अगर कुछ वीडियो बेस्ड करके इंटरेक्शन बढ़ाए, खाना क्या है, प्यार है मेरे लिए. तो आई जस्ट रिलेटेड द एंटायर थिंग एंड मैंने जिंग का एक कंसेप्ट बनाया और फिर उसका पूरा बनाया. एंड मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ज़्यादा होगा वायरल, बट वो बढ़िया सा वायरल हो गया. मैं Zomato का CEO जो है फूड डिलीवरी का, उन्होंने भी रिप्लाई किया, जो सीनियर डिज़ाइन है उन्होंने शेयर भी किया. अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो ना अपने काम को, दिखा रहे हो इंटरनेट, सो इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू वैलिडेट कि यार इस बंदे को देखो उसका काम ये रहा इंटरनेट पे, रादर देन कि ये उसका पोर्टफोलियो है, PDF जरा डाउनलोड करके देख लो. दैट हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम थिंग. एक्जैक्टली. सोशल मीडिया वैसे भी हम यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि अभी मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ यहाँ पे फोटो खींच के डाली थी आपके आने से पहले, तो मैं वैसे भी यूज कर रहा हूँ. सो व्हाई नॉट आई एम यूजिंग सोशल मीडिया टू मेक माई करियर बेटर. In the beginning of March, I got a call from an HR from Mexico City, that is from Undestros. So she said that, matlab, let's have a call. So in total, there were 5 rounds. Badhiya hua uske baad, ab pata nahi tha hoga ki nahi. Aisa to bahut hi jagah kat raha tha, bahut jagah ho raha tha, lekin ho nahi raha tha, waisa type ka. To phir, matlab, ek last jo call tha, it was with one of the manager of that company and he said, Dikshita, are you serious about coming to Mexico City? Matlab, mummy papa maan gaye na, poocha ki nahi. तो अब मेरे को लगा कि नहीं पूछा मैंने, अभी मम्मी को बताना पड़ेगा. देन आई कॉल माई मॉम एंड देन शी वॉज लाइक, इतनी दूर? फिर उसका जा पाएगी तू? खाना बनाना तो आता नहीं है, चावल मिलते हैं कि नहीं? तो फिर उसके बाद अब मैंने सोचा, मम्मा वो बात की बात है, ऑफर का रिएक्शन तो दो आप. क्या हम कभी कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि हम यहाँ क्या सीख के निकलेंगे? नहीं, हम पूछते हैं कितने की नौकरी लगती है. विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट जज अ कॉलेज बेस्ड ऑन प्लेसमेंट. द वर्ल्ड दैट वी लिव इन इज डायनामिक, थिंग्स आर चेंजिंग एट सच अ पेस दैट इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट एनीथिंग आफ्टर फ्यू मंथ्स. हाउ कैन वी डिसाइड ऑन कॉलेज की क्वालिटी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 2 or 4 ईयर्स? हम ऐसा पैरामीटर्स तभी सेट करते हैं अपने लिए जब हम कॉलेज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी जॉब लगा दें.
लेट मी टेल यू अ ट्रूथ अबाउट द कॉलेज प्लेसमेंट. जनरली कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में आने वाली कंपनीज पहले से ही डिसाइड करके आती हैं कि उनको कितने सैलरी रेंज में स्टूडेंट्स को उठाने हैं. येस देर आर एक्सेप्शन, बट दिस इज द केस जनरली इन ऑल द कॉलेजेस. और कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो उनके लिए भी तो ईजी है ना ये. दे हैव एम्पल सप्लाई ऑफ जॉब सीकिंग स्टूडेंट्स, सो वाई वुड दे गेट इन टू एनी काइंड ऑफ सैलरी नेगोशिएटिंग मोड. ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए चाहिए स्किल्स, बट असली नेगोशिएशन की पावर आती भी वहीं पर है. मोर ओवर प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, कॉलेज लिंकेजेस एक्सेट्रा. तो सही तरीका है लुक फॉर पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज 3 or 5 years अगो. वेर आर दे इन देयर करियर राइट नाउ? इफ पॉसिबल टॉक टू देम. आर दे गेटिंग प्रॉपर जंप इन देयर करियर आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द कॉलेज? दैट्स द करेक्ट वे ऑफ जजिंग अ कॉलेज. द नेक्स्ट थिंग दैट आई लर्न इज डोंट एक्सपेक्ट कॉलेज टू ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ सुपर ह्यूमन. एक बार मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए ना, फिर तो मैं दुनिया पे छा जाऊंगा. तो जैसे होता है ना, आलू एक तरफ से डालते हैं और दूसरी तरफ से सोना निकलने वाली मशीन जैसी थी, वैसे ही होगा मेरे करियर के साथ. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा. यकीन मानो कॉलेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता जिससे आपके लाइफ में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इफ यू आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट. लुक एट इट दिस वे, डोंट यू थिंक कॉलेज इज अ स्पेस टू एक्सपेरिमेंट विद योर करियर? अगले महीने के खर्चे की टेंशन नहीं, ना रिश्तेदारों की चिक चिक और ना मम्मी के साथ लड़ाई की खाना टाइम पे नहीं खाया. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब है टू एक्सप्लोर न्यू स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक असाइनमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट फॉर द पोर्टफोलियो? बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डेडिकेट द लास्ट फ्यू डेज ऑफ टू असाइनमेंट्स, एंड आई एम श्योर दोज हु आर इन कॉलेज एंड वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, हर बार असाइनमेंट सबमिशन करते हो तुमको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा टाइम दे देता तो डेफिनेटली मेरा सबमिशन अच्छा हो जाता. सेकेंड, एक्सपेरिमेंट का मतलब है सही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज करना. अगर कॉलेज क्रॉस डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के ऑप्शन देता है तो चूज देम वाइजली, because you won't get opportunity outside to explore so many skills, neither you will get time. And if you have a good college, you know they will let you explore, experiment and fail. They won't spoon feed you. Aur iske fayda aapko bhi hoga kyunki you will have a unique portfolio in the end. And talking about portfolio brings me to the next lesson that I learned, that is college won't teach you to prepare a portfolio. आपने किसी भी कॉलेज से डिग्री लिया हो, एंड में पोर्टफोलियो ही मैटर करता है. बट व्हेन यू अप्लाई फॉर कॉलेज द पोर्टफोलियो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री ओरिएंटेड पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना कॉलेज आपको नहीं सिखाता है. यू लर्न दिस वॉचिंग वर्क ऑफ अदर स्टूडेंट्स एंड योर बैचमेट्स. हाँ, कॉलेज में आपके असाइनमेंट्स को आप पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हो, बट वो तो आपके बैच के सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, तो आप कैसे अलग हो जाओगे? सो देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, यू नो, यू कैन पार्टिसिपेट इन डिजाइन कॉम्पिटिशन, एनरोल इन सम ऑनलाइन कोर्सेज, डू इंटर्नशिप, और यू कैन इवन वर्क विद अ प्रोफेसर ऑन एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. जनरली हमें पोर्टफोलियो की तभी याद आती है जब लास्ट सेम या इंटर्नशिप की कोई डेट आती है. Ideally, I think you can start preparing for your portfolio from day one in the college. And this can happen only when you know that college won't teach you to prepare portfolio. You know, college is a magical space, I believe. It is best place to hone your skills and enhance your personality. But this can only happen when you have right peer group, and it is the talented peer group that drives you to do better. Second, learn to network with the people like professors, seniors, and batchmates, and try to create your professional circle. Third, use the infrastructure to experiment. This is the sole purpose of college, I believe. Nobody can teach you to be creative. आप पहले से creative हो. अगर आपको ये fundamental clear है about the college education, I'm sure you will succeed.